8. ट्रेन खचाखच भरी हुई थी और उसके ऊपर से वेदा बैठे हुए थे जनरल बोगी में, जहां पर पूरी दुनिया की भीड़ समाई होती है। ट्रेन प्रयागराज पहुंची, खचाखच भीड़ एक साथ स्टेशन के ऊपर टूट पड़ी। वेदा यहां वहां धक्के मारते हुए और कभी धक्के खाते हुए ट्रेन से बाहर निकले। देखा तो स्टेशन पर भी भीड़ थी, चारों तरफ बस लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिनके कंधे पर आत्मा बैठी हुई थी, तो कोई आत्मा ऐसी थी जो किसी एक शख्स के बस पीछे पीछे जा रही थी, और आत्मा कब से उन लोगों के साथ है वो खुद भी नहीं जानते थे, क्योंकि वो तो उन आत्माओं को नहीं देख सकते, पर वेदा देख सकते थे। खैर, वेदा स्टेशन से बाहर निकले और निकल पड़े सीधा घाट की ओर। उन्होंने सोचा सबसे पहले वो नहाएंगे, मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे, तब आगे कुछ करेंगे। ये उनके लिए एक बहुत ही शुभ आरंभ था, पर भक्तों की भीड़ यूं उमड़ी हुई थी जैसे मीठे पर चींटी। किसी तरह दर्शन कर स्नान कर वेदा घाट किनारे आराम से बैठ गए और बस सोचने लगे कि अब वो क्या करें और कहाँ ढूंढे किसी ऐसे को जो उनको शक्तिशाली आत्माओं के बारे में बता सके, जो उनकी ताकत को बढ़ाने में और कालराज को हराने में मदद करे। ऐसे साधु संत कहाँ पर मिलेंगे? खैर, घाट पर काफी साधु थे, संत थे और अघोरी भी काफी थे, पर वहां पर वेदा को तलाश थी किसी सिद्ध ज्ञानी की। हालांकि बाकी सब भी ज्ञानी थे, पर उनको एक खास चीज की तलाश थी, किसी ऐसे बाबा की जिनके पास इन बुरी ताकतों का पूरा ज्ञान हो। वेदा ने काफी खोजा, पर उन्हें समझ आ गया कि ऐसे बाबा शायद उन्हें घाट पर नहीं मिलेंगे, तो उनकी खोज खत्म हुई शमशान पर। वो शमशान घाट में पहुंचे, जहां पर एक चिता भी जलकर शांत हुई थी, और वहीं उसके बगल में एक अघोरी पापा बैठे हुए थे। राख मली थी उन्होंने और उनके लंबे लंबे बाल थे। वो एक नागा बाबा थे। वेदा को उनसे ना जाने की बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी सेंस होने लगी। वो अघोरी आंखें बंद किए बस बैठे हुए थे कि तभी वेदा उनके सामने आए और बस चुपचाप बैठ गए। उन्हें लगा शायद वो अपनी तपस्या में विलीन है, तो उन्हें उनकी तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए। वेदा बस चुपचाप बैठे रहे, पर बैठे बैठे काफी देर हो गई, पर उन्होंने अपनी आंख नहीं खोली। देखते देखते ही शाम हो गई, और जैसे ही सूरज ढलने वाला हुआ, वेदा ने सोचा शायद ये घोर तपस्या में विलीन है, ये अपनी तपस्या नहीं तोड़ेंगे, और यहां पर बैठे बस वेदा का समय व्यर्थ हो रहा है। तो वेदा उठे, तभी वो बाबा कहते, क्या हुआ बच्चा, इतने में ही थक गए? ऐसे तो तुम किसी भी समस्या का समाधान पा ही नहीं पाओगे। बच्चे, जिंदगी में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, तुम धैर्य रखना सीखो। यहां पर ध्यान से बैठो, अपनी समस्याओं को भूल जाओ और बस ध्यान करो, और मैं भी तपस्या में विलीन हूं। मैं जानता हूं तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, पर कुछ देर और धैर्य रखो, जैसे सूरज छुप जाएगा मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी और मैं उठ जाऊंगा। वेदा उनकी बात सुन बिल्कुल हैरान हो गए। वो एकदम से बैठे और समझ गए कि वो यहां पर तपस्या तो कर रहे हैं, पर उनके अंदर ताकतें भी बहुत हैं। आंखें बंद किए तपस्या में विलीन उन्हें पता चल गया कि मैं सामने बैठा हूं और मुझे उनकी मदद चाहिए। वेदा ने भी अपनी आंखें बंद करी और ध्यान में डूब गए। ऐसे ही रात हो गई, चारों तरफ कुप सन्नाटा पसर गया। वेदा को एक बात समझ आ गई कि अगर किसी को ध्यान करना है तो शमशान शायद बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि यहां पर ज्यादा कोई आवाज नहीं होती। पर हां, लोग शमशान में आने से डरते जरूर हैं, खासकर रात को। वेदा बैठे बस तपस्या कर रहे थे कि एकदम से उन्हें पायल की आवाज सुनाई थी और एक नेगेटिव एनर्जी सेंस हुई। वेदा ने एकदम से आंखें खोली और दूसरी दिशा में पलट कर देखा, तो एक शादी का जोड़ा पहने औरत शमशान से बाहर जा रही थी। वेदा सोच में पड़ गई कि आखिर यह है कौन और यहां से क्यों जा रही है। उसे मत देखो, वरना वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी,
वो तो अभी जा रही है किसी दूल्हे को ढूंढने, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तुम दुल्हन की तलाश करते करते यहां पर नहीं आए हो। तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम्हारी समस्या कुछ और है। बताओ क्या है तुम्हारी समस्या? उन बाबा ने कहा, जिस पर वेदव्स अघोरी बाबा की ओर देखते। उन्होंने अपनी आंखें खोल ली थी पर अभी भी वो योग अवस्था में बैठे हुए थे। अंधेरा हो गया था और अंधेरे में शमशान में बैठना, यह सुनकर ही लोग डर जाते हैं, पर उन बाबा को एक तनिक भर भी डर नहीं लग रहा था। वेद ने इस औरत से ध्यान हटाया और अपनी समस्या बतानी शुरू करी। बाबा जी, मेरे पास कुछ शक्तियां हैं जिनकी मदद से मैं दूसरी दुनिया की ताकतों को देख सकता हूं, और एक ऐसी ताकत है जो हमारी दुनिया की नहीं है और वो पर हमारी दुनिया में आ चुकी है, और वो शैतान की सेवक है। मैं उसे हरा नहीं पा रहा हूं, और उसे हराना बहुत जरूरी है क्योंकि उसने जाल बिछाया जिसमें वो लोगों को मारकर उनकी आत्मा को कैद करता है ताकि शैतान की शक्तियां बढ़ सके। मैं उन्हें मुक्त कराना चाहता हूं और इसके लिए मुझे ताकत चाहिए, और ऐसी ताकतें। वेदा अपनी बात पूरी करने ही वाले थे कि बीच में बाबा ने हाथ आगे किया, उन्हें रोका और कहा, बस बस समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, अब शांत हो जाओ। तुम्हें ऐसी ताकतों के बारे में जानना है जिसकी शक्तियां तुम अपने अंदर समाहित कर सको, पर उसके बारे में तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है। मैं समझ सकता हूं, पर वैसे बेटे यहां पर ऐसी कोई ताकत तो नहीं है, पर मैं एक जगह जानता हूं जहां पर एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी मदद कर सकती है, और मैंने उसे वहां पर कैद किया है। बच्चा पीलीभीत जाओगे, वहां पर एक गुप्त जगह है, उसके बारे में मैं तुम्हें लिख कर दूंगा। तुम वहां पर जाना और वहां पर तुम्हें जो सबसे पुराना और बड़ा पेड़ दिखाई दे उसके पास जाओगे तो उसे लाल रंग के धागे से बांधा गया। उसके सामने ही एक छोटी सी मूर्ति पड़ी है, उस मूर्ति को हटाकर गड्ढा खोदना। उस गड्ढे के अंदर तुम्हें एक मटका सा मिलेगा, उस मटके को फोड़ देना, उसके अंदर से बेताल निकलेगा जो 350 साल पुराना है। उसके अंदर काफी शक्तियां हैं, पर तुम जानते हो बेताल बहुत चलाक होते हैं, तो वो अपनी चलाकी दिखाएगा और तुम्हें उलझाने की कोशिश जरूर करेगा। तुम्हारा काम है तुम्हें उसे उलझना नहीं है, तुम्हें उसे बस हराना है और किसी तरह मनाना है कि वह तुम्हें अपनी शक्तियां दे दे। और उसकी शक्तियों के बारे में बता दूं तो बेताल शारीरिक रूप से तुम्हें बहुत ज्यादा शक्तियां दे सकता है जिससे तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकते हो, और उसके बाद उसकी चलाकी उसकी बुद्धि हर मुश्किल समस्या में उस समस्या से बाहर कैसे निकलना है इसका समाधान तुम्हें उसकी बुद्धि से मिलेगा, और तुम चलाक भी काफी हो जाओगे। और आज के वक्त में तो तुम जानते हो कि चलाक होना ही ठीक रहता है। जाओ उसे पकड़ो, मैं तुम्हें यहीं पर वापस मिलूंगा। वेदा सोच में पड़ गई कि अब वो पीलीभीत जाए, और ये सोचते हुए वेदा ने नजर बस इधर उधर की, क्योंकि नजरों के सामने से बाबा ओझल हो गए एकदम गायब, और ये देखकर वेदा सकपका गई। वेदा के पास इतनी शक्तियां थी कि वो किसी भी एनर्जी को सेंस कर लेते थे, और कब उनके सामने से वो बाबा गायब हो गए वेदा को पता ही नहीं चला। इसका मतलब ये था कि बाबा के पास भी काफी शक्तियां थी और वो उनकी मदद कर सकते थे। शायद प्रयागराज में आने का उनका फैसला बिल्कुल सही था, और उन्हें उनकी बात माननी चाहिए और पीलीभीत जाना चाहिए। हालांकि एक बेताल उनका दोस्त है तो, पर शायद उस दूसरे बेताल के पास उन्हें जाना चाहिए क्योंकि वो अपने दोस्त बेताल को पकड़ना नहीं चाहते। इसलिए वेदा उठते हैं और जाने लग जाते हैं पीलीभीत की ओर।